फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं हाजिर हूँ अर्चना सिंह और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में, लाल किला के बारे में। ये कितने एकड़ पे है और इसको किसने बनवाया और इसके अंदर क्या है, लाल किला के अंदर क्या है, तो इस वीडियो के साथ हम बातें करेंगे इसमें। और हाँ यार, मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल के बारे में। मेरे चैनल पर ट्रैवल, फैशन और बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ, तो कभी कभी मैं पेरेंटिंग टिप्स भी देती हूँ बच्चों के लिए और हाँ बुक का रिव्यू भी कर देती हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। खुश रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, जिसमें फेस दिखता है ना, वो ब्लॉग करना आसान नहीं है, क्योंकि दिल में आपके बहुत सारे दुख दर्द और सबको दबाकर और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखकर और काम करना होता है और भी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ मैंने सीखा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मजे लेते हैं। अमेरिका का किसी ने किसी में होती है, किसी में तीन शानदार सड़कें। और जैसा कि आपने सुना, ये उच्च आयोग है दूतावास। यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते, यहाँ सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम है और याद रखा गया है। और आगे बहुत सारा होटल है। पीएमओ हाउस, पीएम का बंगला। अरे वाह, ये 24 घंटा ये संतरी रहता है चारों तरफ। बंगला तो सब पीएम होंगे अभी? होंगे नहीं होंगे अभी ये तो कर वही बता पाएंगे। और ये देखिए हमारे पीछे ये जीपीएस साइकिल हैं, जितनी भी दिख रही हैं इनको रिचार्ज करवाइए और अपने डेस्टिनेशन तक जाइए और ये वहीं रुक जाएगी जहां तक आपने रिचार्ज करवाया है। तो ना शानदार, झंडा फहरता है कहाँ, यहाँ ऊपर चलिए ना। वो शानदार लाल किला जो पुरानी दिल्ली में स्थित है, इसको 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। इसको बनने में 10 साल लगे थे। ये 12 मई 1638 में स्टार्ट हुआ था बनना और 1648 में ये पूरा हुआ। और इस ये सुबह 7 बजे से शाम में 5:30-6 बजे तक खुला रहता है और ये सोमवार को बंद रहता है। और ये लाल किला 254.67 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पानी भर के रखते होंगे ना उस टाइम तक, ताकि एनिमी कोई अंदर ना जा सके। डालते थे अगर कोई दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश करे तो। और ये और हाँ, इसका प्रवेश शुल्क है। और ये अब गेट से हम जा रहे हैं अंदर और बड़ा हो जाएगा, ये देखते हैं क्या है। और उस इतिहास को समझने की कोशिश, कितना अद्भुत लगता है ना, टच करने से लगता है कि किस जमाने में हम पहुंच गए। सुंदर नक्काशी ये ऊपर छत पर और यहाँ मार्केट, मतलब थोड़ी बहुत जो हाथों की बनी हुई चीजें हैं। और ये पर्स, ये दोनों साइड
कर रहे हो। ये घर में सजाने की कितनी अच्छी अच्छी चीज है। ओ मेरा मन तो कर रहा है सारी कुछ ले लूं। ये कितना सुंदर सुंदर। और बस ये एंट्री गेट एंट्री करेंगे तो बस ऐसी ही दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ओ माय गॉड, वो अनिकेत वहाँ देखो बेटा ये बर्ड, अरे वाह। अरे मैं तो कुछ नहीं लू, अभी बस घूम के देखेंगे उसके बाद लेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी ना ऐसे ले लेंगे। देखो ये म्यूजियम है ये, हाँ लिफ्ट बन रहा, ये अंदर आकर हम बैठ सकते हैं। यहाँ ग्राउंड है क्या, ये जो सामने वाला है ना ये आदमी रहेंगे ना, ये पहले का नहीं। अच्छा ये पूरा बिल्डिंग, चलो जल्दी जल्दी। और ये जो हम सामने जा रहे हैं ये है नौबत खाना या नगाड़ा घर, महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। और अपने गौरव काल में यहाँ नगाड़ा और वाद्यंत्र बजाकर बताया जाता था कि राजा या पदाधिकारी जो है वो आ रहे हैं यहाँ। और बताया जाता है कि यहाँ हत्याएं भी हुई है, दो शासकों की हत्याएँ भी हुई हैं मुगल शासकों की, जहाँ दार शाह एवं फारूक सियर की हत्या हुई है। और यहाँ विशेष अवसर पर वाद्यंत्र भी बजाया जाता था और अब शाम हो रही है और सीआईएसएफ के जवान विसिल बजा रहे हैं कि आपका टाइम खत्म होता है घूमने का। और ये आगे नो एंट्री है, अभी आप देखिएगा। और ये छूकर कितना अच्छा अनुभव होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना हिस्टोरिकल प्लेस पर, ऐसे टच जरूर करती हूँ वहाँ की दीवारों को या जो भी है, थोड़ा सा टच करके देखती हूँ। और ये देखिए सामने यहाँ नो एंट्री लग गया है, अब सामने नहीं जा सकते हैं। और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, अच्छा खासा टाइम लेता है घूमने में, तो कभी जाइए अच्छे से टाइम लेकर और घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये था यहाँ का नौबत खाना और इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये रात के समय लाल किला की सुंदरता, ये शाम रात नहीं शाम हो रहा है, कितना टाइम हो गया है, 6-7 बज रहा होगा ना। शाम के समय यहाँ की सुंदरता कितना सुंदर, और ये सामने रोड खुला हुआ, पार्किंग की जगह भी भरपूर है यहाँ। और अब ये बाहर जाते हुए हम, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घूमने में, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और मैं ये सोच रही हूँ हमारे यहाँ जो भी रिलेटिव आए हम उनको यहाँ ज़रूर घूमने के लिए लाएंगे। आप भी आइए दिल्ली तो ज़रूर घूमने जाइए, हमारे हिस्टोरिकल प्लेस को जानिए समझिए, देखिए कितना गौरवकाल हमारा अतीत रहा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।